हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेंटल हॉस्पिटल में दांतों की सफाई करवाने पर दांतों के बीच में गैप क्यों आ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि मशीन से सफाई के बाद दांतों में गैप क्यों हो जाता है और गैप कैसा दिखता है। क्या ये गैप डॉक्टर ने मशीन से बनाया है या फिर दांतों की सफाई के नाम पर इसको काट दिया। और फिर बात करेंगे इसके समाधान की कि ये किस सिचुएशन में इसको सही कर सकते हैं। अगर इसको सही कर सकते हैं तो घर पर इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, दांतों में नेचुरली गैप होता ही है। ऐसा नहीं है कि दांत आपस में पूरे सटे हुए ही होते हैं। दांत का बाहरी हिस्सा जो आपको दिखता है वो दो दांत ही आपस में सटे हुए होते हैं, उनमें नीचे गैप होता ही है। जैसा कि आप इस मॉडल में देखिए, जैसे कि आप इसकी जोड़ों में देख रहे हैं, यहाँ पर गैप होता ही है, पर ये गैप खाली नहीं होता। इस गैप में हड्डी होती है और इस हड्डी के ऊपर मसूड़े चढ़े रहते हैं। अब इसमें होता ये है, जब आप खाना खाते हैं और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते तो धीरे धीरे खाने के जो पार्ट्स होते हैं वो दांतों की जड़ों में जमने लग जाते हैं और उसकी वजह से वो टाइट होने लग जाते हैं, जिसको टार्टर भी बोलते हैं। अब इस टार्टर की वजह से ये आपके मसूड़े और हड्डी को गलाकर नीचे की तरफ सरका देता है, जिसकी वजह से दांतों में गैप और बढ़ जाता है। अब आगे ये होता है, जब भी आप डेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ जाकर आप ये टार्टर रिमूव करवा देते हैं या सफाई या स्केलिंग करवा लेते हैं, उसके बाद ये टार्टर हटते ही वो गैप आपको महसूस होने लग जाता है। ज्यादातर ये नीचे के दांत में अंदर की तरफ ही होता है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि डॉक्टर ने ना तो दांत को काटा है और ना ही छीला है और ना ही घिसा है, ये सिर्फ आपके दांतों के बीच टार्टर जमा हुआ था जिसको डॉक्टर ने आपके दांत से हटाया है। तो दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं इसको कवर करने की। ऐसा क्या करें जिससे मसूड़े अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएं? इसके लिए आप घर पर तीन काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला लेते हैं वो है मुंह की सफाई। अब मुंह की सफाई में तीन चीजें आती हैं, जिसमें पहला है ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रश करना, आपको ब्रश 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। दूसरा है फ्लॉसिंग, आपको फ्लॉसिंग भी प्रॉपर तरीके से ही करनी है, कम से कम दिन में एक बार फ्लॉस जरूर करें। अब तीसरा है जीभ की सफाई, आप ब्रश करें, फ्लॉस करें और जीभ को भी साफ करें, तब तक आप मुंह की कंप्लीट क्लीनिंग मान सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें मसूड़े पर मसाज करनी होती है। उंगली के ऊपर आप शहद ले सकते हैं या फिर गम पेंट ले सकते हैं, फिर आपको उंगली को दांतों के जॉइंट पर रख के मसाज करनी है। उंगली को इतना भी हल्का नहीं रखना जिससे पता ही ना चले, सिर्फ नॉर्मल प्रेस करना है। आपको ये मसाज 2 मिनट से ज्यादा नहीं करनी और दिन में कम से कम 2 बार करनी है और उसके बाद आप फिर रिजल्ट देखें। अब तीसरा तरीका जो आपको घर पर करना है वो है नमक के पानी के कुल्ले। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर उस पानी से कुल्ला करनी है। इससे आपके जो दांतों पर जमे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके दांतों पर टार्टर जमने की और इन्फेक्शन होने की, सूजन होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप माउथ वॉश से कुल्ला करते हैं तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। अब नमक के पानी के कुल्ले आपको दिन में 2 बार करने हैं। इसको आप कितने भी दिनों तक कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, बल्कि इसको करने से आपके दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।